देखिए, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के बीच यूपी विधानसभा चुनाव के बीच गठबंधन हुआ था, जो फिलहाल अभी तक तो कामयाब है, लेकिन निकाय चुनाव के नतीजों के बाद खटास आनी शुरू हो गई। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के बाद नगर निकाय चुनाव 2023 में सपा को लगातार हार का मुंह देखना पड़ा है, जिसके बाद सपा और रालोद के गठबंधन में सिर्फ उटव्वल के संकेत मिलने लगे हैं। लोग उम्मीद कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों मिल के चुनाव लड़ेंगे, इसलिए हमारे कार्यकर्ता बड़ा आश्वस्त होकर के हर जगह 10% सीटों पर ही अपनी तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब समझौता टूट गया तो जो लड़ने वाले लोग थे वो भी पीछे हट गए और कार्यकर्ताओं में भी मायूसी आई। रालोद ने निकाय चुनाव में मिली हार का सीधा आरोप सपा पर लगा दिया। ऐन वक्त पर, जबकि पहले राउंड के चुनाव की पर्चा दाखिला की तिथि एक दिन रह गई थी, तो सिंबल भी बहुत सारे जगहों पर नहीं जा पाया जो लड़ना चाहते थे। इसके कारण हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश का या मध्य का रिजल्ट जैसा हम लोग चाहते थे वैसा नहीं हो पाया। लगभग 7-8 जगह ऐसे रहे जहां समाजवादी पार्टी के कारण राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार हार गया। सपा के साथ गठबंधन के सवाल पर रालोद ने आगे बढ़ने और ऑप्शन खुले रखने के संकेत भी दिए हैं। फिलहाल रालोद 2024 लोकसभा चुनाव में जुटी है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर मिल रहे हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। पीएम मोदी के उद्घाटन करने को लेकर 20 राजनीतिक दलों ने अपना विरोध जताया और उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। 19 विपक्षी दलों ने नई संसद के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। संयुक्त रूप से जारी एक पत्र में सभी 19 दलों ने नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाने पर भाजपा को घेरा और इसे राष्ट्रपति का अपमान भी बताया। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने वाली पार्टी में कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, शिवसेना, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम, डीएमके, एमडीएमके, समाजवादी पार्टी, जेएमएम, आरएलडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वीसीके, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी शामिल है। वहीं इन पार्टियों के अलावा एआईएमआईएम ने भी प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन करने पर समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया। अगर प्रधानमंत्री वजीर आजम बजिद है कि मैं ही करूंगा इसका, तो फिर हम इस फंक्शन में शिरकत नहीं करेंगे। वहीं विपक्षी दलों के विरोध पर भाजपा ने हमला करते हुए कहा कि सभी विपक्षी दल एक हो जाएं तब भी पीएम मोदी को कोई नहीं रोक सकता। जितनी ताकत है जो बची खुची अभी 24 का चुनाव आने से पहले और एकत्र हो जाएं। एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और देश के अंदर सत्य की सत्ता। जहां एक तरफ 20 पार्टियों ने विरोध किया तो वहीं बीजेडी, टीडीपी और वाईएसआरसीपी ने उद्घाटन समारोह में जाने का फैसला किया। हालांकि बीएसपी और बीएसआर का रुख अभी तक साफ नहीं हो पाया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।